भूमिका लियाकत है और आप इस वक्त देख रहे हैं देश का नंबर वन चैनल न्यूज 18 इंडिया। राम की पैड़ी पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा आपके सामने मौजूद है और एक ऐसा चेहरा आज आपको नहीं दिखेगा जिसके मुख से राम की धुन ना निकल रही हो, जय सिया राम ना निकल रहा हो। तो एक बार हो जाए जोरों से जय सिया राम। अयोध्या में हम मौजूद है और अयोध्या को मैं 2011 से देखती हुई आ रही हूँ। आज जो अयोध्या नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि दुल्हन की तरह सज गई है, बस राम आने को है। बच्चा बच्चा हर दरीचा इस वक्त वो चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लिए नजर आ रहा है और इसीलिए न्यूज 18 इंडिया की ये बड़ी कवरेज, अखंड कवरेज, एक नया अध्याय आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ 5 बजे की इस खास पेशकश में जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरु मिथिलेश जी का। जोरदार तालियों से स्वागत इसलिए क्योंकि आप जिस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे ना, उस मंदिर में जो पूजा पद्धति का इस्तेमाल होगा और जो तरीका अपनाया जाएगा वो यहाँ से सीख कर वहाँ मंदिर में जाएगा, यानी प्रभु राम और राम लला की सेवा करने का एक एक तौर तरीका गुरु मिथिलेश इस वक्त प्रशिक्षित कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। सबसे पहले तो अयोध्या को आपने पहले भी देखा है, राम की पैड़ी को आपने पहले भी देखा है, ऐसे मंच आपने पहले भी देखे हैं, ऐसे दर्शक आपने पहले भी देखे हैं, लेकिन आज में और बीते कल में क्या डिफरेंस है? बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम सब ने पहले बहुत कुछ देखा है पर जैसा आज देख रहे हैं ऐसा किसी ने कभी कुछ पहले नहीं देखा है। ना ऐसे दर्शक हमने देखे हैं, ना ऐसी अयोध्या हमने देखी है, ना ऐसा उल्लास हमने देखा है, ना ऐसी एकात्मता हमने देखी है और ना ऐसे रामलला हमने देखे हैं। ऐसे रामलला देखे थे त्रेता में महाराज मनु ने और तब उसकी अभ्यर्थना की थी और ऐसे रामलला को देख कर महाराज मनु ने चाहा था कि सारी दुनिया इनके स्वरूप को देखे। तो जब तपस्या करने गए थे तो कोई कामना नहीं थी पर देख कर ये कामना उनके मन में जग गई कि ये यदि पुत्र बनकर के इस धरती पर अवतरित होंगे तो मनुष्यता धन्य हो जाएगी और इनको देख करके मनुष्योचित जीवन जीना सीख जाएगी। तो हम सब ने आज जो देखा ये पहले कभी नहीं देखा था, इसकी पूरे देश को बधाई और आपको विशेष बधाई कि आप अपने चैनल के माध्यम से दुनिया भर को ये दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु मिथिलेश जी। लेकिन यहाँ जितने भी दर्शक, अच्छा